हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। आज एक फ्रेंच फिल्म के बारे में बात करते हैं जो विचित्रता की सारी हदें तोड़ती है। नाम है टिटान या टिटेन, जो कि एक फ्रेंच भाषी फिल्म है और 28 जनवरी से मूवी इंडिया पर स्ट्रीम हो रही है। पिछले साल 2021 में इसे कान फिल्म समारोह का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था, जिसे कि पल्म डोर कहा जाता है। वही पल्म डोर जो पल्प फिक्शन से लेकर पैरासाइट तक को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये फ्रेंच फिल्म काफी चर्चित है और साथ ही काफी ज्यादा विवादित भी। इसकी कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके दिमाग में प्लेटिनम की एक प्लेट फिट की जाती है, क्योंकि बचपन में उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से ही कारों के प्रति उसमें असीम आकर्षण पैदा हो जाता है। इसी कहानी में एक प्रौढ़ आदमी भी है जो बाहर से बेहद सख्त दिखता है और अपने खोए हुए बेटे के लौटने का इंतजार कर रहा है। इन किरदारों को साथ लेकर ये पौने दो घंटे की फिल्म बॉडी हॉरर और साइकोलॉजिकल टेरर का खतरनाक कॉकटेल पेश करती है, लेकिन साथ ही मानवीय संवेदनाओं और मुलायम भावनाओं की भी बात मोहब्बत से करती है। शायद यहाँ ये हिदायत देना ठीक रहेगा कि ये कोई आम विदेशी फिल्म नहीं है, बल्कि स्ट्रिक्टली उन दर्शकों के लिए है जो सीमाएं तोड़ने वाले डिस्टर्बिंग सिनेमा को देखने की आदत रखते हैं और जिन्हें उस तरह का सिनेमा भी पसंद है जिसमें हर चीज कहकर नहीं बताई जाती और बहुत से सवाल बिना किसी उत्तर के छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ फिल्में इतनी बिजार और वियर्ड होती हैं कि समझाई नहीं जा सकती और उन्हें देखना बस एक अलहदा सिनेमाई अनुभव साबित होता है। ऐसे ही कुछ फिल्में होती हैं जो आपको लगातार चैलेंज करती हैं, सिनेमा को लेकर आपकी समझ और कल्पनाशीलता को चुनौती देती हैं। फिर कुछ फिल्में होती हैं जो देखने में घनघोर मुश्किल होती हैं, लेकिन जिनकी विजुअल लैंग्वेज कई दिनों तक आपके जहन में अटकी रहती है। टिटान ये सब कुछ है और बहुत कुछ वो भी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर आपको विश्व सिनेमा की खतरनाक, डिस्टर्बिंग और विचित्र फिल्में देखने की आदत नहीं है तो इस फिल्म को कतई मत देखिएगा। टिटान का ट्रेलर अपनी लगभग पूरी कहानी ही छिपा कर रखता है, इसलिए यहाँ भी कहानी पर कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। जितना कम कहानी के बारे में आपको पता रहेगा, उतना ज्यादा इसकी विचित्रता आपको हैरान करेगी। बस ये जान लीजिए कि बॉडी हॉरर इसकी मुख्य थीम है और इसकी टेक लेकर ये फिल्म इंसानी रिश्तों की भी पड़ताल करती है और चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेकर प्यार की चाह और अकेलेपन तथा उदासी पर भी हार्ड हिटिंग बातें करती है। बॉडी हॉरर सिनेमा का वो सब जॉनर होता है जिसमें इंसानी जिस्म पर होने वाले निर्मम अत्याचारों के माध्यम से किरदारों की मनोस्थिति बताई जाती है, जो कि अक्सर पागलपन की दहलीज पर खड़े होते हैं। कई बार बॉडी हॉरर का इस्तेमाल हॉरर जॉनर में चीप थ्रिल्स पैदा करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन कई फिल्मकारों ने एस्थेटिक्स के साथ भी इस सब जॉनर का इस्तेमाल किया है और बेहद विचित्र और विचारोत्तेजक फिल्में रची हैं, जैसे कि डेविड लिंच की इरेजर हेड, 2007 में आई हॉरर फिल्म टीथ और डेविड क्रोनेनबर्ग की वीडियोड्रोम। सिनेमा के सबसे डिस्गस्टिंग फिल्म जॉनर्स में गिने जाने वाले इस बॉडी हॉरर को सिनेमा की मुख्य धारा में प्रचलित करने का श्रेय कनाडा के फिल्मकार डेविड क्रोनेनबर्ग को जाता है, जिनकी कई कई फिल्में इसी टूल का इस्तेमाल करके क्रेजी और ग्रेट सिनेमा हमारी नजर कर चुकी हैं। उनकी एक फिल्म है नेकेड लंच, जो उनकी बाकी फिल्मों जितनी मशहूर नहीं है, लेकिन कमाल की सुरियलिस्टिक विजुअल ट्रीट है। बॉडी हॉरर में अगर आपकी दिलचस्पी हो तो कभी वक्त निकाल कर इस कल्ट फिल्म को जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में सिनेमा कितना आगे निकल चुका है और हम अभी तक पुष्पा जैसी फिल्मों में अटके हैं। बहरहाल टिटान देखते वक्त आपको डेविड क्रोनेनबर्ग की महाविचित्र फिल्म क्रैश बहुत याद आएगी, जो कि कार क्रैश के बाद के ट्रॉमा से जूझ रहे किरदारों के बारे में है, और एकदम ही अलग टेंजेंट पर खड़ी बॉयज डोंट क्राई भी काफी याद आएगी। क्यों, अगर ये बता दिया तो जनाब भयंकर स्पॉइलर हो जाएंगे। चलते चलते एक बार फिर आगाह करता चलूं कि ये फ्रेंच फिल्म सिर्फ उन दर्शकों के लिए है जो डिस्टर्बिंग और ग्राफिक कंटेंट वाले सिनेमा देखते रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में न्यूडिटी है, वॉयलेंस है, दिल थर्रा देने वाले ग्राफिक सीन्स हैं, लेकिन तमाम महाविचित्रताओं के बावजूद फिल्म के कोर यानी कि फिल्म के हृदय में अकेलेपन और उदासी की एक मार्मिक कहानी है, जिसे डिस्गस्टिंग और बिजार बॉडी हॉरर के माध्यम से व्यक्त किया गया है। और इस कथा को बेहतरीन तरह से अभिव्यक्त करने में फिल्म की मुख्य नायिका के कमाल इंटेंस अभिनय ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। 33 साल की अगेथा रुजेल की
टीटान पहली फिल्म है और इसके बावजूद बेहद कठिन फिजिकल एक्टिंग से लेकर बेहद डिमांडिंग इमोशनल एक्टिंग तक में इस फ्रेंच अभिनेत्री ने गजब का प्रभाव छोड़ा है, एकदम अद्भुत अभिनय किया है। उनके अलावा विंसेंट लैंडॉन ने भी कमाल की एक्टिंग की है। ऊपर से सख्त दिखने वाले अपने किरदार को वे एक दुर्लभ मुलायम रूह देते हैं। अगर आपको टीटान देखने के बाद पसंद आए तो इस फिल्म की 38 वर्षीय निर्देशिका जूलिया डुकोर्नो की पहली फिल्म रॉ भी जरूर देखेगा। 2016 की यह फिल्म भी बॉडी हॉरर का चरम छूती है और कहा जाता है कि कान और टोरंटो फिल्म फेस्टिवलों में जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तब कई दर्शक इसके ग्रॉस ग्राफिक सीन्स देखकर बीच फिल्म में ही थिएटर छोड़कर बाहर चले गए। लेकिन ये शर्तिया एक देखी जाने लायक प्रोवोकेटिव फिल्म है जो मेडिकल कॉलेज शुरू करने वाली एक वेजिटेरियन लड़की की कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, लेकिन निहायत ही ट्विस्टेड और बिजार अंदाज वाली। और टीटान की तरह ही ऊपर से भले ही ये भी एक डिस्टर्बिंग फिल्म है, लेकिन इसके कोर में भी मानवीय मन की थाह लेने की बेचैनी ही मौजूद है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी याद से प्रेस कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।